नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला थाना फिलखाना के अंतर्गत मनीराम बगिया का है, जहां पर मकान के चार हिस्से हैं जो कि क्रम से 32 नवासी व 32 नवासी ए व 32 नवासी बी और 32 नवासी सी वन है, जहां पर पवन वर्मा, राजेश जैन, नमित गुप्ता एवं दबंग राहुल जैन का परिवार व दुकान है। वहीं मकान के ही रहने वाले राहुल जैन के चाचा राजेश जैन, जो कि राहुल के कारनामों से परेशान हो गए हैं, उनका कहना है कि राहुल ने एक इलेक्ट्रिक की दुकान यहां खोली और पूरा नीचे का मकान सामान भर के कब्जा कर लिया, चारों ओर सामान फैला है और हमें भी जान से मारने की धमकी देता है, कह रहा है तुम्हारे भी मकान को हम कब्जा कर लेंगे। वहीं मकान में रहने वाली नमिता गुप्ता भी राहुल के आतंक से परेशान है, वे तो मंत्री सतीश महाना से फोन भी करवा चुकी हैं। पूरा द्वार कब्जा किया राहुल ने और उन्होंने संबंधित थानों को फोन भी किया कि मामले को देख लो, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं। जिस प्रकार से आप कहते हैं सरकार बहुत सख्त, शासन सख्त है, लेकिन ऐसे भूमाफिया कब तक हमें सताते रहेंगे, क्या एक महिला के साथ इसी तरह का अन्याय होगा। वहीं पवन वर्मा, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, वह भी गुहार लगा रहे हैं कि हम तो सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, दुकान सुरक्षित रहे, लेकिन राहुल जैन लगवाने नहीं देता, कैमरे लगाने वाले कर्मचारियों से मारपीट करता है, उनको भगा देता है। कई प्रार्थना पत्र भी थाने फिलखाना में गए हैं इसके खिलाफ, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। क्षेत्रीय लोगों ने भी बताया कि राहुल जैन को फिलखाने थाने से नोटिस दी गई कि आप अपना मकान का कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करिए, लेकिन राहुल जैन ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। राहुल के पास मकान का जमा किया न टैक्स है, न नगर निगम का जमा किया टैक्स की रसीद, कुछ भी नहीं दिखा पाए। इनको थाने से नोटिस भी भिजवाई गई है, लेकिन फिर भी ये थाने के आदेश को भी नहीं मानते। क्षेत्रीय लोगों में राहुल की दबंगई के चलते भारी आक्रोश है एवं वहां के निवासी लगातार मुख्यमंत्री तक गुहार लगा रहे हैं कि सरकार मेरी भी आवाज़ सुन लीजिए, सरकार मुझे न्याय दे दीजिए। वहीं लोग ये बताते हैं कि राहुल जैन को जब भी कोई नोटिस आता है, कुछ जवाब देना होता है, तो वह कहते हैं मेरी पत्नी बीमार है, और वह कहकर बहाना बनाकर चले जाते हैं, ना कोई साज प्रस्तुत करते हैं, ना ही कोई कागज। दबंगई के बल पर उसे दुकान, आंगन, दरवाजा, बाउंड्री सब पर कब्जा कर रखा है ऊपर से नीचे तक, और प्रशासन को अपनी कठपुतली समझता है, इसलिए बार बार नोटिस थाना चौकी में प्रार्थना पत्र इसके खिलाफ देने के बावजूद भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जी नमिता जी, ये जो मामला चल रहा है, ये जैसा बताया राहुल जैन ने आपके जो मकान या जो है कब्जा किया है, तो क्या मामला है वो? राहुल जैन एक भू माफिया है, इनके पिताजी इनको समझा रहे थे कि बेटा कब्जा बराबर करते रहना, और किसी को भी कोई कागज दिखाने के, यदि कोई मौका पड़े तो नकली कागज और स्टे दिखा देना। जबकि स्टे हम 6 महीने चलते हैं, हम योगी जी से, महाना जी से, सलील बिश्नोई जी से ये पूछना चाहते हैं कि एक आदमी जो जिसके पास जो कागज नहीं है, प्रमिला पांडे जी से, कि ना वो हाउस टैक्स जमा करता है, ना वाटर टैक्स जमा करता है। ये इस आंगन में पहले लोग बाग अपनी लड़कियों को कन्या दान करते थे, विवाह कराते थे, हम लोग पानी देते थे। आज उसने ज़बरदस्ती यहाँ पे जगह बना ली है, और ना उसका हाउस टैक्स भी आप नहीं लोगे, और ना आप उसका वाटर टैक्स लोगे, और उसको गलत तरीके से एक ठेले वाले के तो ऊपर आप कह देते हो, चालान काट देते हो, और हम जो व्यापारी लोग हैं जो अपनी मेहनत से कमाते हैं, उन लोगों को जीना, इतने भूमाफिया क्या आपके नाक के नीचे ऐसे होता रहेगा क्या? आप योगी जी, जो योगी जी से हम पूछ रहे हैं कि वो गुंडाई कहते हैं गुंडाई मत करो, एक गाल अगर कोई आगे करे तो थप्पड़ ना मार के उसको उठा के पटक दो, तो योगी जी इस बात का जवाब दें कि किसी लेडीज को कोई किसी का आना जाना बंद करेंगे? ये राहुल जैन और तरुण जैन और जो इनके छोटे छोटे, यहाँ पे रोज आप किसी भी छापा मार लीजिए, हम लोग बंद हो जाते हैं और यहाँ पे दारू होती है। अगर हम लोग अगर कहते हैं कि कैमरा लगवा दो, तो हम लोग को, जिसके लिए पुलिस भी कहती है कि कैमरा लगवाओ, ऐसा क्या थाना इंचार्ज जी को वो क्या चीज़ दे देते हैं कि जो सारी कार्रवाई बंद हो जाती है? थाना इंचार्ज जी क्यों नहीं हमारे लिए कार्रवाई करते? ऐसा क्या है राहुल जैन में? क्या वो महाना जी से भी बढ़कर है? हम महाना जी से पूछ रहे हैं, महाना जी को हमने फोन भी किया, उन्होंने मेरे लिए थाने में फोन किया, महाना जी की भी बात भी उन्होंने मायने नहीं रखा कि इस लेडीज की बात सुनी जाए। क्या हमारे देश की ये हालत होने वाली है? हम लोग क्या गुंडों के गुलाम बनने वाले हैं? जैसा कि बता रहे सरकार बहुत सख्त है, योगी सरकार लगातार सख्त नहीं है, मेरे सामने ऐसा कोई भी बात, आप क्या मांग करना चाहती हैं एक बार सरकार से? न्याय मांगना चाहते हैं कि लेडीजों को, अगर वो बंद, एक दिन मेरे बेटे को मारने के लिए वो दौड़ा, फिर उसने गेट बंद कर दिया, तीसरा ये कि हमने कमिश्नर साहब को, अभी हम आपको एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, सारी हमने वो दी, उसकी एक भी सुनवाई नहीं हुई, एक चीज की भी सुनवाई, और बल्कि उल्टा हमारे 116 लगा दिया उसने कि हम वहाँ पे शांति भंग कर रहे हैं। आप आंगन में जाके देख एक मुआयना कर लीजिए, कितना आंगन पाइप फैला हुआ, किसी दिन आग लग जाएगी, हम सब लोग मारे जाएंगे। अगर इसके केवल इसका जवाब योगी जी को देना पड़ेगा, महाना जी को, जो यहाँ के सांसद बने घूम रहे हैं।
क्या नाम है आपका? राजेश जैन। राजेश जी, ये जो विवाद चल रहा राहुल जैन से, इसमें क्या मामला है? आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, एप्लीकेशन लिखी हुई है तमाम जी। एक तो मकान चार हिस्सों में बटा हुआ है जी जी, और उसके बाद सबके अलग अलग खरीदार खारिज है, और ये पूरे आंगन में कब्जा किए हुए हैं। जब कहा जाता है तो मारपीट करने में उतार लेते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं। आपने एप्लीकेशन दी थी कहीं संबंधित थाने में? दो तीन बार झगड़े हुए, पहले भी एप्लीकेशन दी है 2017 में, इन्होंने करीब उनको मारा है, जब हमने फिर एप्लीकेशन दी है जो कि ये जी जी। एप्लीकेशन कैमरे में दिखा दीजिए ऐसे ऊपर करके जी जी। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं बस इस आंगन में जो कब्जा किए खाली कराएं।